दोस्तों आपको पता होगा कुछ टाइम पहले YouTube बताया हुआ था जो चैनल यहाँ पे रिव्यू में है वो चैनल यहाँ पे मोनेटाइज नहीं होगा। आखिरकार दोस्तों ये क्यों बता है? दोस्तों देखिए ये कहने में मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन दोस्तों जो सच है वो तो मुझे बताना ही होगा। दोस्तों आखिरकार YouTube ने क्यों चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर सब कुछ जानेंगे। आखिर कौन सी गलती है जिसके लिए YouTube मोनेटाइजेशन नहीं करेंगे, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ और YouTube किस लिए आपके जो चैनल यहाँ पे रिव्यू है वो चैनल मोनेटाइज नहीं करेंगे, वो भी यहाँ पे मेल के द्वारा बता दे जाएंगे जब यहाँ पे मेल करेंगे। अगर दोस्तों कोई यहाँ पे YouTube चैनल यहाँ पे रिव्यू में है 2-3 महीने तक, तो दोस्तों इससे क्यों चैनल मोनेटाइज नहीं होगा सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हो, और इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देने वाला हो। दोस्तों आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। आखिरकार YouTube चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं करती है वो भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हो। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, YouTube का कहना है कुछ दिन पहले यहाँ पे आया हुआ था, जो कि आपको पता होगा यहाँ पे बहुत चैनल यहाँ पे अंडर रिव्यू में है, यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो चैनल अभी तक मोनेटाइज अप्लाई नहीं हुआ या अभी तक वो मोनेटाइज इनेबल नहीं किया YouTube ने। क्योंकि दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा मैंने ऑलरेडी किसी वीडियोस के अंदर बताया, अगर दोस्तों YouTube चैनल के अंदर रिव्यूज कंटेंट अपलोड करती है तो उस प्रकार की YouTube चैनल यहाँ पे मोनेटाइजेशन यहाँ पे अप्लाई करने के बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है। हो सकता है यहाँ पे अंडर रिव्यू पर रहने के बाद वहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारा कारण होते जाते हैं यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर दोस्तों आप इसी तरह के कुछ रिव्यूज कंटेंट इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपकी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया। और दोस्तों देखिए अगर आपने यहाँ पे सोच रहे हो मैं तो यहाँ पे इतना समय दे लिया हो, अभी मुझे अगर चैनल का मोनेटाइज नहीं हुआ तो मेरे तो सब कुछ बेकार होगा, सब कुछ बर्बाद होगा, दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए आपने जब पहले YouTube चैनल के अंदर बनाया हुआ था, YouTube के अंदर आया हुआ था, तो आपको कुछ नहीं पता हुआ था, लेकिन दोस्तों आज की डेट में आपको यहाँ पे थोड़ा कुछ बोलने का तरीका भी सही आ रहा है, आपको थंबनेल बनाना भी आ रहा है, टैग टाइटल भी आप लिख पा रहे हो, आपको कुल मिला के कुछ ना कुछ आप यहाँ पे सीखे होंगे पहले के मुकाबले में, लेकिन दोस्तों आप पहले आपको कुछ नहीं पता होते। दोस्तों इससे आपकी समय बर्बाद नहीं हुआ, समय आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ, आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखा हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने गेन किया हो। दोस्तों उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप सेकेंड चैनल ओपन करके उस चैनल के अंदर काम करेंगे तो वो चैनल भी आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने पहले चैनल के अंदर काम करते थे लेकिन वो किसी प्रॉब्लम की वजह से उस चैनल को छोड़ना पड़ती है, फिर दोस्तों जब दूसरा चैनल ओपन करके क्रिएट करके वीडियोस बनाने लगती है तो वो चैनल जल्दी ग्रो कर लेती है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस है। किसी को हो सकता है यहाँ पे 6 महीना का एक्सपीरियंस है, किसी को हो सकता है 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसी एक्सपीरियंस को लेकर यूट्यूब जो सेकेंड चैनल उन्होंने बनाया हुआ था उस चैनल को ग्रो कर लेते थे। दोस्तों इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। और दोस्तों अगर आपकी चैनल 2-3 महीने तक रिव्यू में है, दोस्तों देखिए अगर आपको लगता है आपने चैनल के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी गलती किया हुआ या फिर रिव्यूज कंटेंट है और भी जो गलती है आपके ने किया हुआ जो गलती नहीं करना चाहिए, दोस्तों आप एक काम कर सकते हो, आप एक दूसरा चैनल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर वीडियो अपलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे काम करना छोड़ना नहीं है, आपको जो चैनल के अंदर वीडियो अपलोड कर रहे हो उस पर आपको काम करते रहना है, साथ ही अगर आप हो सके तो दूसरा चैनल को आज ही अभी बना के आप उस पर काम करते रहो, वहाँ पे आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों देखिए जब वहाँ पे वो चैनल अगर मोनेटाइज हो गया तो हो गया, अगर दोस्तों मोनेटाइज नहीं हुआ तो इस चैनल के अंदर आप काम करते रहो वो चैनल भी यहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगी, तो इसके लिए आपको रुकना नहीं है, काम करते रहना। और दोस्तों यहाँ पे एक चैनल मोनेटाइज हुआ था जो कि दोस्तों यहाँ पे 2-3 महीने से रिव्यू में था, रिव्यू में रहने के बाद यहाँ पे 2-3 दिन हुआ है दोस्तों वो चैनल यहाँ पे मोनेटाइज हुआ है, जो दोस्तों वो टेक रिलेटेड वीडियोस बनाते थे। दोस्तों मैंने आज वीडियोस को देखा हो, दोस्तों अभी उस चैनल का नाम क्या है वो तो मुझे याद नहीं आ रहा,
लेकिन दोस्तों मैं जब इस वीडियो को बना के ख़त्म कर दूंगा उसकी बात उस वीडियोस को देखूंगा, उसके बाद जो भी वो वीडियो है मैं अपने इंस्टाग्राम के अंदर डाल दूंगा, फिर आप इंस्टाग्राम के अंदर जाके देख लेना इस वीडियो में बनाने के बाद वो वीडियो को मैंने डाल दूंगा। और दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम के अंदर जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ मेरे इंस्टाग्राम के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर यूज़र नेम स्क्रीन के अंदर शो कर रहा है, आप जाके देख लेना, लाइव प्रूफ आपको यकीन हो जाएंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम के अंदर जाएंगे तो मुझे फॉलो भी कर लेना। और दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बस आपको काम करते रहना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे अंडर रिव्यू में है चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा काम करना, तो इससे आपको नहीं करना, आपको काम करते रहना है। जब यहाँ पे 1K सब्सक्राइब हुआ है, आपने 4000 हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपने गलती नहीं की हो तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर वो मोनेटाइज नहीं भी होगा तो आप दूसरा चैनल ओपन करके अपने एक्सपीरियंस की दम से वो चैनल को भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको एक्सपीरियंस गेन हो गया है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, तो फिर आप दूसरा चैनल को भी बना के आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बस आपको काम पे फोकस करना है, बस अपने काम पे सही से सही दिशा में काम करना है। और दोस्तों इस वीडियो से आपको मैं थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कोशिश किया हो, अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ भी मोटिवेट हुआ हो तो वीडियोस को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की यूट्यूब से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो के साथ, तब तक आप आपका ख्याल रखना। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।